हेलो एवरीवन, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कोलम्स लॉ। कोलम्स लॉ मतलब कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन दे कोलम्ब। उन्होंने रिसर्च करके एक लॉ बनाया और उस लॉ को हम कहते हैं कोलम्स लॉ, और इस लॉ का नाम उनके ही नाम पर रखा गया है। आप कोलम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसा कि आपको पहले से पता ही होगा कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो आपस में रिपेल होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज वो भी आपस में रिपेल होते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट होते हैं। अब देखो, इन चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगा, इस फोर्स के कारण ही ये आपस में रिपेल हो पाएं या फिर अट्रैक्ट हो पाएं। जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज था है ना, और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, ये आपस में रिपेल हुए क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स लगा। वैसे ही पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जब आपस में अट्रैक्ट होते हैं तब भी तो उनके बीच में फोर्स लगा है ना, उस फोर्स के कारण ही वो आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपस में रिपेल हो रहे हैं। अब कोलम्स लॉ भी यही कहता है, कोलम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। मतलब कि हम कैसे पता लगाएं कि इन दोनों चार्जेस में कितना फोर्स लगा। वैसे इस लॉ के पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास टू चार्जेस हैं, एक चार्ज को हमने नाम दे दिया क्यू वन, दूसरे चार्ज को हमने नाम दे दिया क्यू टू। ये तो दो चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। और इन दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस बना है, और इस डिस्टेंस के हम सेंटर को एक नाम देते हैं डी, ठीक है, इसके सेंटर वाला पॉइंट था जिसको हमने नाम दे दिया डी। सो इस लॉ के पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। यहाँ पर हमारे पास पहला चार्ज क्या है क्यू वन और दूसरा चार्ज क्या है क्यू टू। यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू वन क्यू टू। यहाँ पर क्यू वन और क्यू टू क्या है, हमारे पास टू चार्जेस है जिनका हमने प्रोडक्ट निकालना है। इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर वन। अब इस लॉ के सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। मींस कि जो यहाँ पर फोर्स है वो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब हमारे पास इक्वेशन होती है तो हम क्या करते हैं कि वन वन बाय जो इक्वेशन होती है उसको हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब कि जो डिस्टेंस होगा वो स्क्वायर की फॉर्म में होगा, ठीक है। और अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वन बाय डी स्क्वायर। यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था इसलिए हमने वन बाय डी स्क्वायर लिखा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना फिर तो हम सिंपली डी स्क्वायर लिख देते, लेकिन यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए हमने वन बाय डी स्क्वायर लिखा, और इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर टू। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को कंबाइन कर देंगे। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी गेट एफ इज प्रोपोर्शनल टू द क्यू वन क्यू टू बाय डी स्क्वायर। अब आप कहोगे कि यहाँ पर क्यू वन क्यू टू बाई डी स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि तो देखो हमारे पास पहली इक्वेशन में जो फोर्स था इज प्रोपोर्शनल टू द क्यू वन क्यू टू, और हमने क्या किया कि इसको सेकंड इक्वेशन के साथ कंबाइन करने पर जो क्यू वन क्यू टू था वो वन के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और नीचे जो डिवाइड में डी स्क्वायर था वो एज इट इज वैसे ही आ गया। इसलिए इन इक्वेशंस को कंबाइन करके हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो है एफ इज प्रोपोर्शनल टू द क्यू वन क्यू टू बाय डी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि इस प्रोपोर्शनल को हटा देना है, ठीक है, क्योंकि आगे जो सोल्यूशन हमने निकालना है अब उसके लिए हम प्रोपोर्शनल नहीं यूज़ करेंगे। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू लिख देंगे है ना, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनल को गायब करना है, लेकिन प्रोपोर्शनल की जगह हम एक के ऐड कर देंगे, ठीक है। के मतलब क्या है कि के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कि मान लो जब भी हम कभी भी किसी भी क्वेश्चन पे हम जब प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं तो हम एक लेटर ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने के लेटर ऐड किया जिसको हमने कह दिया कि ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और उसके साथ जो हमारे पास इक्वेशन थी वो हमने एज इट इज वैसे ही लिख दी क्यू वन क्यू टू बाय डी स्क्वायर। यहाँ पर आपको एक लाइन ऐड कर देनी है, वेयर के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन एस आई सिस्टम। अब देखो यहाँ पर के की वैल्यू क्या होगी, k इज इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो एंड एप्सिलॉन r। ये जो सिंबल है ये एप्सिलॉन का सिंबल है, यह एक ई अल्फाबेट की तरह लिखा जाता है, और जब भी हमें कहीं एप्सिलॉन लिखना होता है तो हम उसकी जगह ये सिंबल यूज़ करते हैं। जहाँ पर एप्सिलॉन जो जीरो है उसकी वैल्यू तो वही फिक्स रहेगी, ठीक है, वो होती है 8.854 मल्टीपल बाय 10^-12 फैरड पर मीटर। इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मतलब कि एप्सिलॉन जीरो की जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी, ठीक है, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, उसकी अपनी ही वैल्यू फिक्स रहेगी। एंड एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब कि एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू बदलती रहेगी, ठीक है।
तो जहाँ पर हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो हमारे पास जो के की वैल्यू आई है इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी। और जब हम इस इक्वेशन में से इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा K1 K2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर डी स्क्वायर। यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू बनी है ये बनी है वैक्यूम के लिए। वैक्यूम मतलब क्या होता है कि जहाँ पर कोई भी एयर नहीं होती, लेकिन जहाँ पर एयर होती है उसके लिए फोर्स की वैल्यू क्या होगी। और एयर के लिए जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू होगी वो बन जाएगी फॉर एयर F इज इक्वल टू 1/4π0 K1 K2 बाय डी स्क्वायर। जहाँ पर एयर के लिए जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी वो होगी 1, बट एप्सिलॉन 0 की वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था। और वैक्यूम में जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी वो तो बदलती रहेगी, बट एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होगी, लेकिन एप्सिलॉन 0 की वैल्यू फिक्स रहेगी, चाहे उसको हम वैक्यूम में पुट कर दें या फिर एयर में पुट कर दें। होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर शेयर कीजिए, हम जितनी जल्दी हो सके आपके डाउट का सलूशन जरूर निकालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।